हेलो गाइस, आई एम रिक्की एंड यूर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं, आज है मंडे। हमारी स्टोरी संडे को आती थी, लेकिन कुछ काम लग गया और कुछ ऐसा काम लग गया कि हम वीडियो बना नहीं पाए, तो हमको लगा कि मंडे को ही क्यों ना बना दिया जाए। और इसके पहले वाली संडे जो थी उसमें भी कुछ ऐसा काम लग गया, हमारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने हम चले गए थे कोलकाता, तो उस दिन भी वीडियो नहीं बन पाई। तो इस बार लगा कि क्यों ना मंडे को ही अपलोड कर दिया जाए। और स्टोरी तो स्टोरी है, मैसेज भी जो होता है तो वो आप लोग जानते ही हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और हमको लगता है कि एक संडे जो हम नहीं बना पाए, बहुत तकलीफ हुई हमें कि आपसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन इस संडे से ये रेगुलर रहेगा। कोई ऐसा काम आ जाता है जो कि बहुत नेसेसरी होता है, इसलिए छोड़ना पड़ता है, और ऐसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप लोगों का प्यार भी भरपूर मिलता है। तो चलिए आज अब कहानी का जो आज का है इसको आगाज़ करते हैं आज की स्टोरी का, और शुरू करते हैं आज के सेशन का। स्टोरी है एक आर्य समाज के बहुत बड़े संत लेखाराम की। एक बहुत बड़े संत हुए लेखाराम, जिनका कि आर्य समाज में मूर्धन्य विद्वानों में उनकी गिनती होती थी। और एक बार की बात है, क्योंकि जब वो संत थे तो जगह जगह जो है उनका प्रोग्राम होता था। वो वहाँ पर जो है संत हैं तो वो जो है अपनी जो एक आदर्शवादी जीवन के लिए जो उनका एक मर्यादित भाषण वगैरह होता है, जो प्रोग्राम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं समाज में आए दिन ये चीज़ें होती है, तो उसी तरह जो है उनका एक प्रोग्राम था। वो उसमें जो है वो संत अपना जो है ज्ञान लोगों को बांट रहे थे और जो है अपना अनुभव जीवन का जो है वो शेयर कर रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ, उस जगह में जो है वहाँ से एक डाकू था जो बहुत ख़तरनाक था। वहाँ के इलाके के लोग उससे बहुत भयभीत होते थे और वो जो है बीहड़ में रहते थे और लोगों को जो है उससे छीन छोर करना और तरह की जो बातें होती है, जो एक डाकू का अमूमन काम होता है, वो उस तरह की घटनाओं को अंजाम देता था। तो वहाँ की जो पुलिस थी, जो वहाँ की थाना चौकी थी, उन्होंने उस डाकू के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनाम रखा था कि जो भी उसको जीवित अथवा मृत पकड़ कर ला देगा या उसको पकड़वा देगा तो उसको लाखों का इनाम जो है उसके ऊपर रखा गया था, उसको इनाम मिलेगा। बहुत लोगों ने चाहा कि हम उसको पकड़वा दें और हमको वो इनाम मिल जाए, लेकिन डाकू भी बहुत सातिर था, वो कभी किसी के हाथ नहीं आया। एक दिन की बात है, ये जो आर्य समाज के संत लेखाराम हुए, ये अपने प्रोग्राम में भाषण दे रहे थे और उसी में जो है एक कर्म के बारे में जो है समझा रहे थे, कर्म की व्याख्या कर रहे थे। और उसी संदर्भ में वो कह रहे थे कि जो कर्म है वह किसी न किसी आदमी को जो है उसका फल चुकाना पड़ता है। तो इसकी व्याख्या जो है वो एक संस्कृत श्लोक में कर रहे थे कि अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अश्वमेव भोक्तव्यम अर्थात जो किया जा रहा है वह निश्चित है, कृतं कर्म शुभाशुभम, और जो कर्म शुभ अथवा अशुभ किया जा रहा है उसका फल आज नहीं तो कल निश्चित है। संस्कृत श्लोक का आशय बहुत साफ था कि कर्म शुभ हो चाहे अशुभ हो, अगर वह किया जा रहा है तो उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर शुभ कर्म है तो शुभ फल मिलेगा, अगर अशुभ कर्म है तो अशुभ फल मिलेगा। ये जो है इस सेंटेंस की व्याख्या चल रही थी। और यही जो है अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यह जो है उस डाकू रात में, चूँकि सब लोग जो है इधर संत महात्मा के प्रवचन को सुन रहे थे, ये अपने कर्म में थे और जो डाकू था वो अपने कर्म में थे, तो वह भी कहीं से लूट करके आ रहा था, तो यह जो कर्म वाली बात जो उसके कानों तक गई, तो उसको लगा कि रह करके सुने कि क्या होता है। अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वह सुनने में भी उसको अच्छा लगा कि जो कर्म है उसका फल आदमी को भोगना पड़ता है, अगर शुभ कर्म है तो शुभ फल है, अशुभ कर्म किए हैं तो उसका अशुभ फल आपको भोगना पड़ेगा। ये बातें उसके मानस पटल पर आ गई और वह सुनने के बाद जो है उस पर कुछ चिंतन करने लगा। चिंतन करने में उसको लगा, अरे ये महात्मा बड़ा अच्छा बात बोलता है तो थोड़ा सा सुन लेते हैं। वह जो है रुका और वह तो वेश बदल करके था, तो वह जो सुनने लगा कि क्या बात है। उसी दौरान जो है उसको बात उसके मतलब कि उसको लग गई, उसको लगा कि साला कर्म तो हम भी बुरा कर रहे हैं, इसका मतलब जो बुरा कर रहे हैं इसका आज से ही नाता नहीं है, मतलब इन फ्यूचर जो है यह कोई ना कोई, यह जो बुरा कर्म है यह भी अपना कोई ना कोई फल छोड़ेगा, चाहे वो बुरा रूप में हो या जो भी रूप में हो। तो चूँकि सबसे बुरा वही किया था इसलिए उसको ये खड़कने लगा। तो जब भीड़ चली गई, सुबह हो गया, तो वह जो है उसके पास पहुँचा, लेखाराम के पास जो संत थे आर्य समाज के, उसके पास पहुँचा और उनसे जाके कहा कि हे महात्मा, आप जो ये बात बोल रहे हैं अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, क्या यह हमारे ऊपर भी लागू होगा? महात्मा ने कहा कि इस मृत्यु लोक में जो भी जीव जंतु है ये सब पर लागू होगा। डाकू और भी डर गया,
तो बोला तो आखिर इसमें क्या होता है, शुभ कर्म अशुभ कर्म क्या है, मतलब कुछ खुलासा करके बताइए। तो महात्मा ने कहा कि जो भी काम आप करते हैं वह लगता है कि वर्तमान में होता है, लेकिन उसका कोई ना कोई बीज, कोई ना कोई संस्कार आदमी के चित्त में कहीं ना कहीं निहित होता है, जो बाद में एक जाले के रूप में वह जो है एक काम करता है, वह उसको समझाने का प्रयास करता है और बाद में उसका फल देता है। जैसे मान लीजिए अगर बुरा कर्म किया गया तो वह सिर्फ वर्तमान में किया गया यह नहीं समझना चाहिए, उसका भविष्य में भी उसका असर दिखेगा। अगर आप में कोई गंदा लत लग गया या कोई गलत चीज़ आप में कोई ये आ गई, तो वो चीज़ें जो है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं होती, वह कहीं ना कहीं भविष्य में आपको उसका जो है परितोष, उसका जो है फल आपको भोगना पड़ेगा। इस तरह से जो है लेखाराम ने उस डाकू को समझाया। डाकू ने कहा हमने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, हमने जो किया सब बुरा ही काम किया। तो महात्मा ने कहा जब बुरा किया तो जितना भी फल मिलेगा सब तुमको बुरा ही मिलेगा, और यह मत समझो कि आज बुरा किया तो भविष्य में वो अच्छा होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर भविष्य में अच्छा चाहिए तो आज अच्छा करना होगा। डाकू ने कहा यह चूक हमसे हो गई, हमको ये लगा कि जो हम आज कर रहे हैं उसका फल आज मिल रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो आप अगर आज गलत कर रहे हैं तो वह जो है भविष्य में भी उसका नुकसान आपको खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। डाकू को अंदर से बहुत ग्लानि हुई, वो बाद में वहां से बिहड़ चला गया, लेकिन बिहड़ जाने के बावजूद भी उसको किसी काम में रुचि नहीं लगती थी। अब जो भी काम वो लेता था उसके दिमाग में ये होती थी कि सारा तो काम बुरा ही था, तो अब बुरा काम कर रहे हैं तो उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं वो ईमानदारी से इस चीज़ का जो है एनालिसिस करने लगा, और बाद बाद में उसको जो है आत्म प्रताड़नाएं मिलना शुरू हो गया, महर्षि की बात जो है उसको लगने लगी। और बात ये होता है कि जो डिलीवर कर रहा है, जो किसी ज्ञान को दे रहा है, अगर उसमें उस चीज़ का सही से अगर अनुकरण है और वह अगर आपको बोल रहा है तो वह जो है आप पर लग जाता है। कहीं ना कहीं लेखाराम एक अच्छे विद्वान थे, उस समय के बहुत बड़े महर्षि थे, और वो चूंकि एक तपस्वी थे तो उनका बात जो है वो जीवन का अनुभव से कही गई थी, वो बातें जो है उसको लग गई। अगर ऐसे ही कोई कुछ कह दे तो वो बात नहीं लगती, लेकिन अगर वह अंतरतम से निकली हुई है, उसने उस जीवन को अगर वैसा जिया है और उसके बाद कह रहा है तो वो बातें लगती है, और यह जो है उसके उसको लग गई। अब वो डाकू जो है बार बार रात दिन चिंतन मनन में, तो बाकी जो उसका और जो छोटा छोटा स्टाफ वगैरह था उन लोगों को लग रहा है कि महाराज आप कहीं खोए हुए हैं। डाकू कहता हाँ खोए हुए तो हैं, लेकिन तुमको समझाएंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, जो एक बार जो है जाओ और लेखाराम को पकड़ के लाओ, उसी से जो है निदान होगा। सबने मना किया आप डाकू हैं, लेकिन किसी संत महात्मा को वैसे पकड़ करके लाना उचित नहीं होगा। आप अच्छा है आप अगर भी कुछ मन का सॉल्यूशन चाहते हैं, मन में उठने वाले सवालों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप सीधा उसके पास जाएं, वो आपसे भागता तो नहीं है, आप ही उससे भागते हैं। डाकू जो है फिर बाद में लेखाराम से मिलने उसके कुटिया में जाते हैं। लेखाराम उसको समझाता है कि धीरे धीरे यह जो कर्म है वह एक ही दिन में ख़त्म नहीं होगा, जो व्यभिचार है वह धीरे धीरे ही जाएगा, इसलिए आप जो है अच्छा करने का प्रयास कीजिए, वो ख़त्म होगा। अगर कमरे में गंदी वायु भरा हुआ है तो उसको निकाल आप जबरदस्ती नहीं सकते हैं, आप किसी भी तरह उसको पकड़ करके नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो हवा है। उसको निकालने का सबसे अच्छा समाधान है कि आप अपना खिड़की दरवाज़ा सब कुछ खोल दीजिए, जब बाहरी हवाएं उसमें घुसेगी तो वहाँ की जो गंदी हवाएं हैं वो स्वतः बाहर निकल जाएगी। इस तरह की बातें समझाता है, और डाकू जो है वह धीरे धीरे चूंकि उस बात को समझने लगता है, और लेखाराम से उसकी मित्रता घनिष्ठ हो जाती है, और देखते ही देखते लेखाराम के सत्संग का, उसके जो है चरित्र का ऐसा असर पड़ता है कि डाकू जो है उससे दीक्षित हो जाता है, और वह जो है आर्य समाज के प्रचार प्रसार में जुड़ जाता है, और देखते ही देखते वह इतना निखर जाता है कि वह जो है वहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति में आने लगता है। तो यह हुई कि डाकू का धीरे धीरे परिवर्तन हो गया एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, जो अच्छा ही नहीं कहें बहुत अच्छा व्यक्ति के रूप में, क्योंकि उन्होंने जो है उसकी बातों को हृदय से लिया, ईमानदारी से जो है अपने आप में आत्मसात किया। तो कहानी का मैसेज है कि आप जिसके संसर्ग में जाते हैं, जिस चीज़ के आप कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसका असर आपके ऊपर भी दिखने लगता है। और ये कहानी का मैसेज है, बहुत पुराना मैसेज है, घिसा पिटा मैसेज है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो कोई बात नहीं, मैसेज को समझना चाहिए, कहानी का जो जिसलिए कहा गया है उस उद्देश्य को समझना चाहिए, और हमेशा हमें भी अपने आप में प्रयास करना चाहिए कि हम जिससे जुड़े हुए हैं, क्या वो सत्संग से जुड़े हुए हैं या वो कोई गलत चीज़ों से जुड़े हुए हैं, इस चीज़ का ख्याल हमें भी रखना चाहिए। और अगर बुरा कर रहे हैं तो उसका भी हमको फल भुगतना होगा, और अगर अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी फल भुगतना होगा। यह मानसिकता बना लें तो आपके जीवन में कोई गलत भी नहीं होगा, और गलत करेंगे भी तो आप सोचेंगे एक बार कि हम क्या कर रहे हैं। तो कहानी का मैसेज भी क्लियर था। कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और हमको भी बहुत दुख हुआ कि हम एग्ज़ाम देने चले गए और हम वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन अब से वादा है कि हर संडे हमारी वीडियो आएगी और आती रहेगी। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।